अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बीसरूर, आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मेवात आज तक की टीम पहुंची है इस टाइम फिरोजपुर विधानसभा क्षेत्र के बड़े गांव साकरस में। यहां पे मैं आपको मौलवी शाबिर साहब से मिलाना चाहता हूं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा और नेक काम कर रहे हैं। इस कोरोना वायरस महामारी के चलते वो यहाँ के गरीब लोगों को, गरीब बस्तियों में कई दिनों से आदमियों के लिए खाना खिला रहा है। जो भी यहाँ पे गरीब बस्ती है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, सभी के लिए वो पैकिंग करके वो खाना भेज रहे हैं। तो जो बहुत ही काबिल तारीफ़ काम है। मैं कैमरामैन से कहूँ, जरा एक बार अंदर आइए, मैं उनके घर को अंदर से दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरीके से वो सामान को देते हैं गरीब लोगों के लिए। बहुत बहुत स्वागत है मेवात आज तक में। जी शुक्रिया भाई। ये कब से आपने ये काम चला रखा है, ये लंगर कब से चला रखा, गरीब लोगों को खाना खिला रहे हो, सूखा खाना भी बांट रहे हो? असल में भाई, सबसे पहले तो मैं शुक्राना अदा करना चाहता हूँ हजरत मौलाना याह साहब करीमी दामत बरकात उनका, कि जिस दिन से मुल्क लॉकडाउन हुआ है और मुल्क इस बीमारी से जूझ रहा है जी, उस वक्त से हजरत ने हमें आगाह किया और गरीब लोगों की तरफ तवज्जो दिलाई। और जिस दिन से मुल्क लॉकडाउन हुआ है उसी दिन से हम गरीबों के लिए इस तरीके का खाना और पैकेज तैयार करके तकसीम कर रहे हैं। और इसमें हमने ना किसी मजहब को देखा है ना किसी धर्म को, बिला तफरीक मजहब हर एक के लिए हमने दिया है। और मुझे भी जैसे सूत्रों के हवाले से पता लगा, तो मैं खुद ही यहाँ पर चल के आया हूँ, तो मैंने देखा यहाँ पे कि हकीकत में ये काफ़ी सारी पैकिंग है, यहाँ पे दाल है, चीनी है और भी बहुत सारी आइटम है अंदर। तो मौल साहब, ये जो मास्क वगैरह आपने लगा रखा है, आप तो पूरे तरीके से कानून का पालन कर रहे हैं, तो ये कितने दिन आपको हो गए यहाँ पे खाना खिलाते हैं? अच्छा, तेल भी इधर जी, क्या क्या सामान है इसमें? मैंने इसमें तकरीबन 4-5 किलो चीनी है, दाल है 1/2 किलो, और तेल है 1 किलो, हल्दी है, मिर्च है, धनिया है, चाय की पत्ती है, बहुत सारा सामान है जैसी ज़रूरत पड़ती रही। बल्कि इस सामान के अलावा हमारे गांव की तरफ से तो सरपंच इन चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं दी, मगर मैंने खुद ने 5,000 रुपये के परसों मास्क मंगाए। अच्छा, और पूरे गाँव में सबके लिए 5,000 रुपये के मास्क बांटे कि भैया। ये बहुत अपने आप में काबिल बात है, बड़ी बात है, क्योंकि मौल साहब ने अपनी पॉकेट मनी से 5,000 रुपये खर्च करके यहाँ के लोगों के लिए जितना उनसे हो सका उन्होंने मास्क भी बांटे हैं। जबकि ये काम सरपंच का है, सरकार की तरफ से प्रत्येक गांव के ग्राम पंचायत के सरपंच को ये ऑर्डर दिया गया है कि अपने इलाके के लोगों को मास्क बांटे, क्योंकि ग्राम पंचायत के अंदर गांव का अपना पैसा भी होता है जमा, वो बांट सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कहीं पर भी देखने को नहीं मिला। तो मौल साहब ने मास्क भी बांटे हैं, सामान भी वो बांटे, बहुत अच्छी बात है। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल को? मैं सबसे पहले तो संदेश ये देना चाहता हूँ कि इस वक्त पता नहीं है किस तरीके से कितना लंबा लॉकडाउन चल जाए। जी जी। जिस तरीके से हमारे बहुत सारे साथी हैं गुड़गांव में, भाई अंबर वगैरह और भी बहुत सारे साथी, एक मिल्लत शीह के नाम से ग्रुप है, उन साथियों ने बहुत इस मामले में हेल्प करी है। जी। और हजरत मुफ्ती सलीम साहब गुड़गांव आए और हजरत मौलाना याह साहब, उन्होंने हमें इस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई है। तो मैं पूरी, बल्कि आपके चैनल के माध्यम से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन की वजह से कोई भी हमारी पड़ोस में और हमारे गांव में कोई गरीब ना, कोई भूखा ना सोए, कोई भूखा ना रहे, ये हमारा पैगाम और ये हमारा मैसेज है। और बल्कि ये ऐसा नहीं है कि अब हम रोक देंगे, बल्कि रमज़ान में और रमज़ान से पहले भी आहिस्ता आहिस्ते से इसी तरीके से हमारे काम चलता रहेगा। आखिर में मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, मेवात में बहुत बड़े रुपये वाले लोग हैं, वो भी अपनी पड़ोस में तलाश करके नहीं और गरीबों के ऊपर खर्च करें। और दूसरा, मैं रमज़ान मुबारक का मुकद्दस बाबरकत महीना आ रहा है, इस महीने में लोगों के ऊपर खूब खर्च भी करें और अपने घर में रहें, मास्क का इस्तेमाल करें और सुरक्षित रहें, बाहर ना घूमें। खास तौर से मैं इलाके मेवात की जनता से बात कहना चाहता हूँ कि अपने घर में रहें, मास्क इस्तेमाल करें और बाहर ना घूमें, और रमज़ान मुबारक के मुकद्दस महीने में तौबा इस्तिगफार करें, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक ताला पूरे मुल्क और पूरे दुनिया की इस वबा से और इस बीमारी से सबकी हिफाजत फरमाए। ठीक है प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। प्यारे दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। हमारे चैनल का अकाउंट नंबर और पेटीएम नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर दे दिया गया है। तो दोस्तों, फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।